हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 5th क्लास में, उसके रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ जो मैथ्स का पोर्सन है, गणित का पोर्सन है, उसको कवर कर रहा हूँ। तो मैंने ये सारे टॉपिक्स जो है मैथ्स के हैं, गणित के हैं बेसिकली, उनको कवर कर रखा है। संख्या एवं संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, ये भी हो गया है। देन लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ये भी कंप्लीट हो गया है। देन वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल, ये भी ओवर हो गया है। देन दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, ये भी ओवर हो गया है। देन मापन के अनुप्रयोग, ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th नंबर टॉपिक, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ये टॉपिक क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली क्या, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, इसे बोलते नहीं हमें 5.2 है तो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग वैल्यू क्या हुआ, अंदाजा लगाते हैं ना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सन्निकटन, आसपास का जो वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे जो राउंड फिगर हम करते हैं, कोई वैल्यू दे दिया जाता है, बोला था इसका 5.1 का राउंड फिगर वैल्यू क्या होगा, तो इससे हम बोलते हैं 5 होगा। तो ये 5 कैसे आता है, ये जो रूल है, या हम लोग बोलते हैं 5.6 कोई वैल्यू है इसका राउंड राउंड फिगर करो, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 6 अप्रॉक्सीमेटली कर देते हैं राउंड फिगर में, करेक्ट। तो ये जो 6 या 5 हो जाता है, इसका रूल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जिस स्थान तक मान निकालना है उसके दाएं ओर के स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो अभीष्ट स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, ओके, तथा दाएं स्थान वाले अंकों को शून्य में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 158, 158 में क्या है, दहाई के स्थान पे निकालना है, तो दहाई इकाई दहाई 5th वाले स्थान पे, इस पे क्या है, हमें सन्निकटन वैल्यू निकालना है। तो उसके जस्ट बाद राइट हैंड साइड में क्या है, 8 है, 8 को कंपेयर करना, ये 5 से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे 8 5 से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे और 5 में 1 हम जोड़ लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 160। तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, मतलब ऑलमोस्ट सन्निकटन वैल्यू बोलते हैं। ऐसे 1,1,8,6,3 का सैकड़े में सन्निकटन, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हमें 8 पे निकालना है, तो इसके दाएं तरफ का अंग देखो ये 6 है, करेक्ट। तो 6 क्या है, 5 से, यहाँ पे 6 क्या है, देखो आप 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप 1 जोड़ दोगे तो 119, और इसके इसके बाद का जो दाएं अंक है ये 0 कर दो, तो 119,00 आ गया। सिमिलरली आप देखो 523, 5912 का हजार में सन्निकटन, तो जो हजार नंबर है उस पे सन्निकटन निकालना, तो आप देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो जो जो 5 है इस पे हमें सन्निकटन वैल्यू निकालना है। तो ये उसके दाहिने साइड में जो अंक है क्या है, 9 है, तो 9 क्या है आपका, ये 5 से अगेन बड़ा है, तो यहाँ पे 1 जोड़ दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 5236,000, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो तो हो गया आपका पूर्ण संख्या, जैसे कंप्लीट पूर्ण संख्या था उसमें निकालना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालना है। अब जो हमको डिस्कस करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या, दशमलव संख्याओं का सन्निकटन, जो दशमलव की संख्या होती है उसका सन्निकटन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो यदि दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से अधिक बड़ा हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 19.6 लिया है, तो ऐसे में दशमलव के पहले वाले अंक में 1 जोड़ लेते हैं तथा दशमलव या उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। तो जैसे इसका निकालना है, तो यहाँ पे देखो 19.6 है, तो 6 क्या है, आपको चेक करना है किससे, दशमलव वाला, ये 6 या 5 से बड़ा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे भी देखो
25.54 है क्या? 25.54। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दशमलव के बाद का संख्या जस्ट राइट हैंड साइड में, तो ये संख्या क्या है आप देखो, फाइव या फाइव से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ फाइव के बराबर है। फाइव के बराबर है तब भी क्या करना है, एक जो उसके दशमलव से पहली वाली संख्या उसमें एक जोड़ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 26। यहाँ दशमलव है और ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसका है क्या हो जाएगा, 26। तो ऐसे आपको निकालना है। यदि दशमलव के बाद का अंक पाँच से छोटा हो, अगर जो आपका दशमलव का अंक है यहाँ पे वो पाँच से छोटा है, तो उसका रूल क्या है आप देखिए यहाँ पे, ऐसे में दशमलव के पहले स्थान वाले अंक को बिना बदले ही दशमलव व उस अंक को हटा देते हैं। अब जैसे 24.21 है, तो दशमलव के बाद वाला अंक क्या है, टू है, तो टू क्या है बेसिकली, पाँच से यहाँ पे देखो छोटा है, तो छोटा है तो क्या करोगे, इधर दशमलव के बाद वाले अंक को उसको क्या कन्वर्ट कर दोगे आप, जीरो जीरो में, और ये वैल्यू सेम रहेगा। अगर पाँच से छोटा है तो क्या करोगे, आपको दशमलव के बाद की संख्या जीरो कर दो और उससे पहले वाले संख्या को एज इट इज़ रहने दो, वैसे ही रहने दो। जैसे 9.37 है, तो थ्री क्या है यहाँ से देखो, पाँच से छोटा है, तो इन दो संख्या को क्या कन्वर्ट करके आपको दोनों जीरो कर दो, यहाँ दशमलव रहेगा। अब नाइन को एज इट इज़ नाइन लिख दो, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, नेट नाइन आ गया। तो ऐसे आपको निकालना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सन्निकटन तो हो गया आपका जो मैंने आपको बताया, अब आपको क्या देखना है, सरलीकरण, तो सिंप्लीफिकेशन हमें देखना है। तो सिंप्लीफिकेशन में आप देखो, गुणा का चिन्ह हो गया, भाग में कोष्ठक में दिए गए व्यंजक को कैसे हल करेंगे, तो गुणा में देखो तो मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस उसने किया, तो बराबर क्या जाएगा, ये प्लस का वैल्यू आएगा। कोई संख्या दिया जैसे माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन आया, तो क्या करना, माइनस का गुणा के प्लस हो जाएगा, सेवन सेवन जा 49, तो उत्तर प्लस 49 मीन्स ये 49 होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, इसे माइनस इंटू प्लस तो माइनस आएगा, देन प्लस इंटू माइनस ये माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस ये प्लस आएगा, तो ये गुणा का निशान का हो गया। देन भाग में प्लस डिवाइड बाय प्लस, जैसे आपको प्लस हो गया और ये डिवाइड बाय प्लस है, तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। प्लस डिवाइड बाय माइनस तो उत्तर माइनस में आएगा, देन माइनस डिवाइड बाय प्लस तो माइनस में उत्तर आएगा। अगर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस है तो उत्तर आपका प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस डिवाइड बाय माइनस तो ये ऐसे कट जाएगा, तो ओवरऑल नेट जो वैल्यू आएगा वो प्लस का आएगा। सिमिलरली कोष्ठक में दिए गए हुए व्यंजक को कैसे लिखा, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटे ये बड़ा ब्रैकेट है, ये कोष्ठक मतलब मंझला ब्रैकेट है, देन ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, उसके पहले भी क्या एक रेखा ब्रैकेट होता है, अगर कहीं ऊपर रेखा दिया सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, देन छोटे ब्रैकेट जो दिया हुआ उसको सॉल्व करो, देन ये वाला सॉल्व करो, देन ये सॉल्व करो आप, तो सबसे अंत में बड़े कोष्ठक के अंदर व्यंजक को हल करें, करेक्ट। छोटे कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक के अंदर व्यंजक को हल करें, छोटे कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक, सो पहले छोटे कोष्ठक के अंदर, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला छोटे कोष्ठक के अंदर व्यंजक को हल करें, देन दूसरा मझले कोष्ठक, देन बड़े कोष्ठक। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो देखो जैसे 24 प्लस 6 माइनस मतलब ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 ऐसे, तो सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ है, ये हो गया, तो ये 5 माइनस 3 इंटू 1 आ गया, तो 2 इंटू 1, अब इसके पहले मझला ब्रैकेट है, तो 2 माइनस 5 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके बाद, तो 5 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ये बड़े ब्रैकेट में हो गया, तो 6 माइनस 3 3 आ गया बड़े ब्रैकेट में, यहाँ पे बाहर 24 है, तो 24 प्लस 3 27 उत्तर आ गया, करेक्ट। तो ये हो गया कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ जो दिया है आप देखिए, यदि रेखा कोष्ठक दिया है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक वाले व्यंजक को हल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो हर नवोदय विद्यालय में जो पूछे गए हैं, तो आप देखिए, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया था, निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो 15 इंटू 1 बाय 2 माइनस 12 बाय 5 इंटू 5 बाय 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 1 3 बाय इंटू 3 बाय 4 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज देन बड़ा ब्रैकेट इंटू 2। तो सबसे पहले क्या स्मॉल ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है 7 डिवाइड बाय 1 सही 3 3 बटे 4 है, तो 4 करने 4 3 7 बटे 4, तो ये सबसे पहले क्या 7 डिवाइडेड बाय 7 बाय 4 आ गया, ये आपका ब्रैकेट में आ गया इंटू टू सबसे पहले छोटा ब्रैकेट प्लस ये क्या 12 बाय 5 इंटू 5 बाय 8 जो दिया हुआ एज इट इज़ उसको निकाल लो, ये 15
वन बाय टू माइनस, अब ये इसको निकल सॉल्व करो, 15 दुना 30 31 बटे 2 माइनस, यहाँ पे देखो ये 5 5 कट गया, तो कितना 12/8 प्लस ये 7 को 7/4 से डिवाइड करना, तो बेसिकली ये 7/4 से डिवाइड करना इनटू 2, तो आप देखो ये 31/2 हो गया माइनस ये 7 7, तो बेसिकली कट ही जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 12/8 प्लस ये 4 आ जाएगा इनटू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 31/2 माइनस 4 से डिवाइड करो, देखो यहाँ पे लासा भी निकाल सकते हो, तो लासा कितना आ जाएगा 8, 8 के निम्न 12 आ जाएगा, फिर ये प्लस 1 एक 8 8 8 चौक 32, 32 आ जाएगा इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 31/2 माइनस 12 और 32 कितना 44/8 इंटू 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 2 चौक 8, 4 एक 4 ये 11 चौक 44 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 31/2 माइनस कितना जाएगा ये 11, तो कितना जाएगा 31/2, दो लासा 2 आया, 11 दुना 22, तो उत्तर कितना 9/2, तो देखो 9/2 कहीं पे दिया हुआ, हाँ यहाँ पे दीजिए, उत्तर 9/2 हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 6416 64 को 16 से डिवाइड करना है, तो एक तो इजी है, दो दो करके डिवाइड कर दो उससे, या डायरेक्ट 16 से भी कर सकते हो, तो 64 जैसे आपको भाग है इसमें सिंपल है, भाग देना आपको 1664, तो डिवाइड करना तो कैसे करोगे 16 16 फोर जा 64, 16 चौको 64, ये कट गया, फिर ये एक उतारो, अब दूसरा अंक उतारने के लिए यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 16 का 16 16 ये कट गया, देन एक अंक उतारो 6, क्योंकि नेक्स्ट अंक निकालना तो आपको अगेन जीरो रखना पड़ेगा, तो 4 16 4 जा 64 ये कट गया, तो ऊपर जो उत्तर आया देखो 4010 4 40 10 4, तो ये उत्तर आ गया। तो ऐसे आपको सवाल सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ भी एक इजी सा सवाल दिया है, 24+(6) माइनस, मतलब ब्रैकेट 4 2 × 4 − 3 इन स्मॉल ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट क्लोज देन बड़ा ब्रैकेट, तो 24 आ गया प्लस 6 माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस, तो 4 − 3 कितना 1, तो 2 × 1 आ जाएगा बेसिकली। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर को पार्ट को हमको सॉल्व करना है, जो रूल हमें बताया गया 24+(6 − 5 − 2) = 3, तो क्या आ जाएगा 24+(6 − 3) = 3, तो 24+3 उत्तर 27, तो यहाँ पे 27, तो ये उत्तर आपका सही हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है, जिसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, पुराना भी जो नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पेपर से निकालो, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, तो इजीली आप इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इनमें कुछ डाउट आता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आप स्टूडेंट हो तो चीज़ें कंसोलिडेट करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट मंगा लो, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करो, टीचर्स अगर आप हो या पेरेंट्स हो तो इसको ध्यान से देखो, कैसे बच्चों को डायरेक्टिव देना है उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे से आप बताइए। सो थैंक यू सो मच।